इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, लेकिन इससे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल अभी आप नैनो टेक्नोलॉजी एक टर्म्स आती है वो उससे भी ज्यादा ग्रेफीन जिसको बोलते हैं वो डायमंड से भी ज्यादा कठोर होता है। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है मेरे प्यारे बच्चों जिसकी एक यूनिक टेंडेंसी होती है, ये अपने साथ ही बॉन्ड बना के एक लंबी चेन बनाता है, उसे श्रृंखलन बोलते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, और कार्बन हर एक वस्तु में पाया जाता है जो कैसी है, लिविंग है। इतना मैं कॉमन लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आर्ट्स वाले बच्चों को भी समझ आए। मैं जब इस हॉल से बाहर जाऊंगा कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐड हो जाना चाहिए। मेरा मकसद तभी सक्सेसफुल होगा कि मैं कुछ नॉलेज का ट्रांसफॉर्म आप तक कर सकूं। मेरा यहाँ आने का मकसद यही है। अगर आप बोर हो गए तो मेरे को बता देना, इंटेंसिटी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऐसी जाएगी। आज का टॉपिक हमारा है कार्बन क्रेडिट। कोई भी पूछता है सर ने क्या पढ़ाया, सर ने क्या किसके लेक्चर दिया, रिसोर्स पर्सन के रूप में सिंटा सर आए थे उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने बताया सबसे पहले कार्बन क्या होता है। कार्बन सबको पता है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कहाँ पाया जाता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, हमारे अंदर भी पाया जाता है। अच्छा अब आते हैं कि पृथ्वी कब बनी थी। पृथ्वी जब बनी थी तो क्या हुआ होगा, कोई बच्चा बता सकता है, फिर तुम भी एक्टिव रह जाओगे। मैं बताता हूँ, पृथ्वी जब बनी थी हमारे 8 प्लेनेट है, सबको मालूम है नोवा प्लूटो था उसको ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जितने 8 प्लेनेट है 8 में से कहां जीवन यापन संभव है, पृथ्वी पर जीवन यापन संभव है। पृथ्वी पर जीवन यापन संभव है, क्यों है पृथ्वी पर जीवन यापन संभव, कोई बता सकता है क्यों है पृथ्वी पर जीवन यापन संभव। पृथ्वी पे रहने के लिए हमें मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए? 15 डिग्री। ग्रह, कई ग्रह काफी हॉट है, कई ग्रह काफी ठंडे हैं, तो वहां पर जीवन यापन संभव नहीं हो सकता है। रही बात उसके बाद जब पृथ्वी बनी थी तो उस टाइम यहाँ पे क्या था, CO2 भी प्रेजेंट थी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या थी, प्रेजेंट थी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, नेगेटिव भी है। अभी मैं पॉजिटिव की बात करूंगा। जब पृथ्वी बनी थी तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ थी। सूरज क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी खत्म होगा नहीं। जब सूरज खत्म होगा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्लियर है। जैसे ही पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, तो यहाँ CO2 प्रेजेंट है बेटा। और CO2 क्या करता है, पृथ्वी की जो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होगी जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो वापिस नहीं भेजता है, उसके बाहर यहाँ एक ब्लैंकेट बन जाता है इन्वायरमेंट में, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का इन्वायरमेंट रहने लायक होता है। ऐसा तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जिसमें CO2 पौधा घर प्रभाव पड़ा होगा आपने दसवीं तक, इसे ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जिसमें CO2 मेजर रूप में पाई जाती है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ ऐसा हुआ हम मॉडर्नाइजेशन की ओर चलते गए, हमारे अंदर क्या आया। अब देखिए जैसे पुराना जमाना होता था उस टाइम क्या होता था, जो ग्लेशियर्स थे आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ग्लेशियर जो होते हैं पिघलते थे, उनका रेट ऑफ पिघलना बहुत कम था, पृथ्वी का तापमान कम था, पुरानी बात कर रहा हूं। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी। आपको मालूम होगा इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द पॉपुलेशन, चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया। ध्यान रखना अभी नहीं हुआ लेकिन है, कंफर्म है ये चीज, हमने चाइना को भी क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया है, इंडिया पॉपुलेशन ने पहले पायदान पर आ चुका है। पता लग गया ना, पता था तो अच्छी बात है, नहीं था तो मैंने बता दिया। ओके तो हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ हमारा शहरीकरण हुआ, तो शहरीकरण होने की वजह से क्या हुआ, हमने पेड़ पौधे काटे, पेड़ पौधे काटने से क्या हुआ, CO2 कंजम्पशन कैपेसिटी हमारी कम हो गई हुई, उससे क्या हो गया पृथ्वी पर CO2 क्या हो गई, बढ़ गई, CO2 बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ, ग्लेशियर जो थे वो पिघलना, टेम्परेचर में वेरिएशन आना, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आप देखते हैं जब खाना खाते हैं एक लिमिट में आप खाना खाएंगे ना तो वो ठीक रहता है, एक्सेस में खाना खाएंगे तो इंडाइजेशन कहते हैं, उसे आपकी बॉडी पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब मैं पृथ्वी बनी थी 4.5 बिलियन ईयर एगो तो क्या हुआ था उस टाइम ये CO2 हमारे लिए बेनिफिशियल थी। समय के साथ साथ शहरीकरण हुआ,
पेड़ पौधे कटे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हुई, ग्लेशियर पिघले, सी लेवल क्या हो जाएगा? कहते हैं कि 1900 के बाद जो सी लेवल है वो कई गुना बढ़ गया। अगर इससे पहले 3000 साल पहले देखा जाए तो सी लेवल बहुत कम बढ़ा। क्यों? देखिए जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है उस तरह से ये कहीं ना कहीं घातक सिद्ध है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? इसका इंपैक्ट ये पड़ने वाला है जो सी कोस्टल एरियाज है जैसे मुंबई सिटी है, कुछ समय बाद आप देखना पूरी डूब जाएगी। चेन्नई है, मुंबई है, वो पूरी तरह क्या होगी? वर्ल्ड की 19 करोड़ पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड हो रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको CO2 की मात्रा को कम करना पड़ेगा। नहीं होता है तो इसके लिए सरकार ने रूल बनाया। अब एक 1992 में काइटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में। कब हुआ था? 192 देशों ने वहां पे भाग लिया। कितनी कंट्रीज? तो सारी कंट्रीज वहां पे साइन करके आई। क्या साइन किया? कि भाई आपकी लिमिट होगी कार्बन को एमिशन करने की। अब देखिए हमारी डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज हम करते हैं वहां पे कोई ना कोई आप इन्वायरमेंट को साफ करते हैं, करते हो इन्वायरमेंट को साफ। कहीं भी आप प्लास्टिक मिला उसको आप उठा के साफ करते हो, जलाते हो। उस जलाने से क्या हो रहा है? CO2 इन्वायरमेंट में ऐड हो रही है, CO2 ऐड हो रही है, हमारा अर्थ का जो तापमान है इंक्रीज हो जाएगा। तो काइटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, 192 कंट्री ने वहां पे भाग लिया था। उस काइटो प्रोटोकॉल में एक साइन किया था 192 कंट्रियों ने कि भाई अलग अलग पैरामीटर सबको दे दिया। यूरोपियन में जो यूरोप कंट्री है ना तो वहां पे एक कार्बन क्रेडिट बाजार चलता है। कौन सा बाजार? कार्बन क्रेडिट बाजार। अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो उसको पता होगा, उसको पता होगा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उसको मालूम होगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, निफ्टी क्या होता है। आप अपने शेयर लेते हो और स्टॉक मार्केट में डाल देते हो ना, उसी तरह का कार्बन क्रेडिट का बाजार जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखो, आप अभी है, कल के लिए आप भी बूढ़े हो जाएंगे। आप क्या चाहेंगे कि आप आने वाली जनरेशन के लिए कैसा इन्वायरमेंट दे? आप चाहेंगे कि आप रहने लायक इन्वायरमेंट दे? उसके लिए आपको प्रीकॉशन करनी जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीकॉशन। तो काइटो प्रोटोकॉल की मैं बात कर रहा था, वहां पे 192 कंट्री ने साइन किया, उस रूल को मानना जरूरी है। तो अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको उसका पे करना पड़ेगा, या तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, या तो ऑटोमोबाइल चलाना बंद करना पड़ेगा, या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा दूसरी कंट्री की, उसमें बॉन्डेज रहती है। तो मैं आता हूं अब कार्बन क्रेडिट पे। कार्बन का लग क्या पता सबको? कार्बन क्या चीज होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है? जब एक्सक्रीट में कार्बन कहां से, जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल आपको पता होगा कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल्स है, कहां से मिलते हैं? रिफाइनरी से मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, ये धरती के नीचे होते हैं। मानव जब आप अवशेष जब काफी टाइम बाद धरती पे रहते हैं तो वहां से रिफाइनरी लगाई जाती है, समुद्र के नीचे भी होते हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं कि 2060 तक ये फॉसिल फ्यूल खत्म होने वाला है, क्योंकि कंजम्पशन इसका बहुत बढ़ गया है। अब आपने जाना कि बाइक गाड़ी स्टार्ट कर दोगे, आप पैदल तो जाते ही नहीं, तो उसे क्या हो रहा है? इमिशन हो रहा है CO2 का, और ये कहीं ना कहीं घातक सिद्ध है मानव जाति के लिए। आने वाले समय में क्या है? घातक सिद्ध है मानव जाति के लिए। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि ये एक ऐसा पत्राचार है जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं? कार्बन को बेच सकते हैं। कार्बन को कैसे बेचेंगे? कोई आइडिया? देखिए मेरी एक फैक्ट्री है, ध्यान से अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। अगर कुछ नया सीखना है तो मैं उसके लिए आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिखा के जाऊंगा, ये मेरी आपसे मेरा वादा है, ठीक है बेटा। हंसना किसी टॉपिक पे मेरे को लगता है कि ऑथेंटिक जवाब है। एक ऐसा, अगर कोई दो, मेरे पास एक्स और वाई दो कंपनी है, एक्स और वाई दो कंपनी है, तो क्या होगा? एक्स कंपनी कार्बन का मेरे पास 1100 टन मेरे पास CO2 निकल रही है, विच इज ऑन पैरामीटर, विच इज ऑन। एक कंपनी 1100 निकाल रही है, दूसरी कंपनी 900 टन का CO2 अवशेष कर रही है, तो इसके पास क्या है? क्रेडिट है 200 टन का, इसके पास क्रेडिट है, तो इस क्रेडिट को ये बेच सकता है, इस क्रेडिट को ये बेच सकता है। यूरोप में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब है, अगर ये कंपनी इसने चलानी है जो लिमिट से ज्यादा CO2 निकाल रही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? या तो इससे क्रेडिट खरीदनी पड़ेगी,
या फिर इसको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरी कंपनी के साथ निवेश करना पड़ेगा, किसी दूसरी कंपनी के साथ निवेश करना पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली में एक कंपनी है, उसे बोलते हैं मेट्रो, बंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो स्टेशन कंपनी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्बन क्रेडिट बेचे और 19 करोड़ की आमदनी निकाली। कितने करोड़ की? 19 करोड़ की। तो कार्बन क्रेडिट एक ऐसा बाजार है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये मार्केट प्रचलित नहीं है, यूरोपियन कंट्री में। आने वाले समय में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल, यहाँ पे 2001 एक्ट बना था, उसमें ये प्रोविजन दिया गया कि आने वाले समय में यहाँ भी इसी तरह मार्केट बनने वाला है। तो कार्बन का एमिशन जितना हो सके हमें मिनिमाइज करना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम किन सोर्सेज की ओर जाना चाहेंगे? जैसे आप मुझे बताइए कि सबसे स्वच्छ सिटी इंडिया में कौन सी है, अगर बता पाएंगे तो मैं समझूंगा कि आप इंटेलिजेंट बच्चे। इंदौर, इंदौर कौन से स्टेट में आती है? बहुत बड़े, किसने बोला इंदौर? चलो, जिसने बोला इंदौर आपने ना, इस बच्चे के लिए तालियां हो जाए। इंदौर सिटी मध्य प्रदेश में है। मैं उस सिटी के बारे में खासियत बताता हूँ, वह स्वच्छ सिटी क्यों है, वह स्वच्छ सिटी क्यों है, वह स्वच्छ सिटी इसलिए है, उन्होंने जो फॉसिल फ्यूल वाले जो आपके एनर्जी के सोर्स थे उसको चेंज किया, किसे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर लाइट लगा दी, सोलर पैनल लगा दिए, या फिर हाइड्रो पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी। उससे क्या हुआ, इमिशन क्या हो गया, कम हो गया, उनके पास कार्बन क्रेडिट बढ़ गए। उन्होंने वो कार्बन क्रेडिट किसको बेचे, अडानी अंबानी को बेचे, उसने रिलायंस कंपनी को बेचे, रेलवे को बेचे, उनको क्या मिला उसके बदले, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनियां चलानी थी, उन्होंने अपनी कंपनियां चलानी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन क्रेडिट। 2020 में 60 लाख के उन्होंने बेचे इंदौर वाले ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर। 2020 में कितने बेचे, 60 लाख के। 2021 में ये बढ़ गया जी 75 लाख, 2022 में बढ़ गया जी 85 लाख, और 2023 में अभी बेचे गए 1 करोड़। क्योंकि एक लिमिट मिलती है, कोई भी मार्केट है, कोई भी कंपनी है, तो क्या देती है, लिमिट देती है कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, जूते की कंपनी है, कपड़े की कंपनी है, या कोई भी रिफाइनरी है, पेट्रोलियम कंपनी है, वो क्या करती है, कोई लिमिट मिल जाता है कि भी आपको क्या करना है, आपको इतना अमाउंट, इतना इमिशन है आपके लिए, 1000 टन इमिशन आप कर सकते हैं एक मंथ में, ठीक है। 1000 टन से अगर मंथ का वो देखते हैं, तब अगर 1000 टन से ज्यादा आपने इमिट किया इंस्ट्रूमेंट उद्देश्य के लिए इमिट किया, तो आप पे फाइन लग जाएगा, या तो आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी, या आपको कहीं से कार्बन लेने पड़ेंगे जो ऑन पैरामीटर चल रहे हैं। तो इनको उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो फिर वो बाय करेगा, या फिर इस कंपनी को बंद कर देगा। तो कंपनी तो बंद होने से रही, तब तो हमारी टोटल ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी, क्या होगी, रुक जाएगी। तो कार्बन क्रेडिट इज द वन ऑफ द कॉन्सेप्ट विच इज कमिंग इन दिस यूनिवर्स टू सेव द लाइफ। आप देखिए ना, 19 करोड़ जनसंख्या इसकी मिला गया, क्या होगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, सी लेवल राइज हो जाएगा, लोगों को घर छोड़ने के लिए, मुंबई सारा खाली हो जाएगा, चेन्नई सारा खाली हो जाएगा, गुजरात के सी कोस्टल एरिया सारे खाली हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे लोग, ऊपर पड़ना पड़ेगा, देयर आर सो मेनी लॉस, ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू बी स्प्रेड दिस नॉलेज अमंग द सोसाइटी, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, यू हैव टू बी अवेयर। कार्बन क्रेडिट एक नया कंसेप्ट है, एक प्रकार का मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके तहत आप, अब देखिए 2008-09 के बाद सबसे हॉटेस्ट ईयर आ रहा है, 2016 सब बिगेस्ट हॉटेस्ट ईयर क्यों हो रहा है, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, ड्यू टू क्लाइमेट। अब 2023 मैं आपको लेटेस्ट नॉलेज दे रहा हूँ, 2023 सबसे हॉटेस्ट ईयर होने वाला है। तो मैंने बोला कि 300 साल में इतना चेंज हुआ है जितना 3000 साल में नहीं हुआ होगा, ड्यू टू दीज एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग हियर। पहले ये चीज, कोई चीज लिमिट में ठीक रहती है, लेकिन अगर एक्सेस में हो जाती है तो कर्स बन जाती है, दैट इज नॉट ब्लेसिंग फॉर अस, दैट इज बिकम कर्स। सो हमें इन्वायरमेंट को, जैसे आप प्लास्टिक है, वी हैव रिड्यूस द मिनिमम यूज ऑफ दिस प्लास्टिक, बिकॉज दीज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल,
प्लास्टिक होते ना ये नॉन वायर्ड, हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीज का यूज करना है जो बार बार हम उसको यूज कर सके ताकि इन्वायरमेंट को मिनिमम हार्म पहुंचे, इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म ना हो। अब देखिए कुछ समय बाद आप देखिए नैनो टेक्नोलॉजी में से कपड़े आने वाले हैं जो एक ही बार पहनने पड़ेंगे। अमित जी आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी इज दैट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी जिसे किसी बड़े से पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना, जिसे आप कार्बन से ग्रेफाइट से ग्रेफीन बनाना, दिस इज नैनो टेक्नोलॉजी। ग्रेफाइट इज SP2 हाइब्रिडाइजेशन, तीन बॉन्ड बनाएगा बेटा, ठीक है भाई, कार्बन का ही अप्रूव है ग्रेफाइट। जब ग्रेफाइट मोस्ट बहुत सारी लेयर्स होती है, 1 से 10 लेयर जब हम उसके एक लेयर अलग अलग करेंगे ना, तो दैट इज ग्रेफीन। ग्रेफीन के सेमीकंडक्टर बनेंगे, ग्रेफीन के कपड़े बनेंगे, सब सारी चीजें बनेंगी, बिकॉज दीज आर 80 टाइम्स या 300 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू स्टील एज कम्पेयर टू डायमंड। तो टेक्नोलॉजी देखो कहां से कहां पहुंच गई है। तो आपको इन चीजों के बारे में अवेयर होना जरूरी है। और इन्वायरमेंट को आप साफ करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है, कौन सी गैस भी इमिट हो रही है और किस तरह के इसके कंसिक्वेंसेस रहने वाले हैं, इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप ये कैंप लगा रहे हैं ना, कैंप का मकसद है कि यू हैव टू बी लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस कैंप, तब आपका मकसद फ्रूटफुल होगा बेटा। इफ यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम, मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ और मैं आज नहीं बोलूंगा, सीख रहे हैं, यू हैव टू बी लर्न, यहां से जाएंगे बेटा, यू आर आउट गोइंग। हम हमारे द्वारा, हमारे सर इतने डेडिकेटेड है, इनके द्वारा जो नॉलेज यहाँ पे स्प्रेड आउट किया जाता है उसको ध्यान से सुनिए, बिकॉज ये इनका एक्सपीरियंस बोलता है, हमें तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम इनके सानिध्य में सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जहाँ से जो चीज़ आपको मिलती है वहाँ तो भी कम हो, अकल के लिए आपको इस तरह से कहीं जाना पड़ेगा, आप भी बन के जाना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, दो शब्द आप लोगों के सामने तक बोल पाएंगे। सेकेंडली अवेयरनेस शुड बी मस्ट, किसी टॉपिक के जिसमें कार्बन क्रेडिट के बारे में बोला, तो यू शुड मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट टॉपिक, व्हाट यू हैव टू बी इंटरप्रेट, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, यू नो बट वैश्विक क्या इसका इम्पैक्ट है और इसके डे टू डे। अब आप बोलेंगे कार्बन क्रेडिट स्मॉल स्केल में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है भाई, आप बोलेंगे जी हाँ मैं थोड़ा सा ये कूड़ा जला रही हूँ इतना, इससे आप बताइए कितना टन ये कार्बन क्रेडिट हुआ। 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन कार्बन इमिशन, टनों में बात हो रही है, दिस इज लार्ज स्केल कॉन्सेप्ट। लेकिन जैसे हम अभी ट्रेनिंग में गए थे तो सर ने दिखाया था कि भाई थ्रू फिगर एंड फैक्ट्स, मतलब डायग्राम के थ्रू दिखाया था कि आप देखिए आप 1990 में देखिए ग्लेशियर में कितना बर्फ था, आप 2013 में देखिए ग्लेशियर में कितना बर्फ रिड्यूस बाय 1/3 टाइम, मतलब बहुत कम रह गया ग्लेशियर, ग्लेशियर पिघल चुके हैं। तो ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हम जंगलों को काट रहे हैं। या फिर एक चीज और है, अगर कार्बन क्रेडिट आपको बचाना है, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ 40 किलोमीटर, आई एम जस्ट ड्राइविंग अ कार 40 किलोमीटर टाइम पासिंग, तो क्या जितना एमिशन हुआ उतने पेड़ लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फाइनल। यूरोप में ये रूल है, रूल होना चाहिए, इंडिया में सारे रूल तोड़े जा रहे हैं, क्यों, बिकॉज देयर इज नॉट स्ट्रॉन्ग लॉ, यहाँ कानून नहीं है, कानून व्यवस्था के नाम पर खिलवाड़ है। मैंने कमीशन दे दी कहीं लगना है, दैट इज द उसको रिक में चला गया अंदर। तो अगर लॉ तब बनेंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। इफ यू आर द फ्यूचर ऑफ इनकमिंग इंडिया, अगर आप खुद कुछ नहीं करोगे, आप झांक के नहीं देखोगे यार मैंने क्या कर रहा है, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई लाइफ, मैं अपना जीवन क्यों वेस्ट कर रहा हूं, मैं यहां बैठा हूं कार्बन क्रेडिट तो सीख के जाओ ही, ये होना चाहिए, ये जील होनी चाहिए, तब एक अच्छे भारत का निर्माण होगा। तो मैंने कार्बन क्रेडिट के बारे में आपको बताया, कॉन्सिक्वेंसेस, एशिया में इसका स्पेशल बाजार है और इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इसमें निवेश कर रही हैं। ये हमको अभी मजाक वाली बात लगती है, लेकिन जब कभी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन समझते ना सिटी, जब जाएंगे अराउंड सी कोस्टल जाएंगे, जैसे गोवा हो गया या कहीं मुंबई या चेन्नई या कोची या कहीं भी आप वहाँ पे सेटल हो गए, तो डर रहेगा आपको वहाँ घर लेने से, आप पहले ही अगर आपको नॉलेज होगी आप वहाँ घर नहीं लोगे, आप वहाँ नहीं रहोगे, आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई कार्बन का एमिशन ज्यादा हो रहा है क्योंकि गाड़ियां बढ़ रही है, दिल्ली में देखना हमेशा पॉल्यूशन चलता रहता है, सांस लेना टफ हो गया। आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी देख लो, और इंदौर इसलिए बचा है क्योंकि इंदौर में वहां पे जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसका यूज करके वो सिटी चल रही है, और ये पैसा भी अर्न कर रहे हैं और वहां लोग खुश भी है, और पे प्लांट लगाना कंपल्सरी है, हर घर के आगे प्लांट है, तो दीज आर द, जैसे ये अब बटीरा रोड तो प्लांटेशन यहाँ होगी, तो गवर्नमेंट भी इस पर फोकस कर रही है कि हम मैक्सिमाइज प्लांट लगाए। प्लांट क्या करेगा, CO2 को कम करेगा, कार्बन क्रेडिट आपका बढ़ जाएगा, कार्बन क्रेडिट बढ़ेगा, ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे, हमारा लेवल
इक्वल हो जाएगा। यूरोप और अगर एशिया की बात करें तो एशिया कहीं से कहीं गुना यहां तो आप फॉलो नहीं करते। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं, कार्बन क्रेडिट क्लियर हो गया, किसी को कोई संदेह नहीं, कंफर्म, कोई प्रश्न हो? अब थोड़ा थोड़ा आ रहा हो, मैंने दो कंपनियां बोली, एक लॉ फॉलो कर रही है, एक लॉ फॉलो, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो कार्बन इससे ले या कार्बन इससे ले, ना ये दो ऑप्शन है। दूसरा या वो पेड़ लगाए उतने, ये भी ऑप्शन है भाई, उस कंपनी को कहीं ना कहीं जंगल सेटअप करना पड़ेगा जिससे कार्बन इतना कंज्यूम हो जाए कि उसको किसी भी वहां भी पैसे लग रहे ना उसके, तो ये ऑप्शन होता है कंपनी के पास। कभी भी कंपनियां बंद नहीं होती। अब काइटो प्रोटोकॉल में इंडिया ने बोला अगर हम सारी कंपनीज बंद कर दें यार हमारी तो ग्रोथ हो जाएगी, गाड़ियां कैसे बनेगी, आप इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी, फैब्रिक्स कैसे बनेगा और सारी चीजें, आप घर की चीजें कैसे मिलेगी। अब अगर नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू, बट इस नैनो टेक्नोलॉजी मैंने बोला ग्राफीन, ग्राफीन क्या कार्बन का प्रूफ है, बात कार्बन की ही चल रही है। साइंटिस्ट ने क्या किया, ग्राफीन 2004 में डिस्कवर कर दिया, 2010 में उसको नोबेल प्राइज मिल गया। ग्रेफाइट था कुछ नहीं था, ग्रेफाइट की मल्टीपल लेयर थी, जब निकाली तो एक पतली सी लेयर निकली, वहां पे क्या था, ग्राफीन था। उन्होंने देखा भाई यार ग्राफीन उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, डायमंड से हार्डेस्ट सब्सटेंस है, स्टील से बड़ा फ्लेक्सिबल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, एवरीथिंग इज ओके, तो उन्होंने उसका यूज करना शुरू कर दिया। अब देखिए फोन अब ऐसे आने आपके सर्कल वाले, अब मजाक लग रहा है ड्यू टू ग्राफीन, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, इसके बन आप चिप लेकर सिलिकॉन की चिप विल बी रिप्लेस्ड बाय ग्राफीन, बैटरी या ग्राफीन की आएगी और तुरंत आप लगाएंगे 5 सेकंड में चार्ज। दिस इज गोइंग टू हैपनिंग इन कमिंग लाइफ, इसको आप ये सपना मत सोचो कि सर सपना दिखा रहे, क्योंकि इन्वेंशन इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि ये होने वाला है और होगा तब जब आप जैसे लोग अवेयर होंगे। पता नहीं होना चाहिए, मैं फैब्रिक्स की बात की, एक कपड़ा सा हो गया, एक ही कपड़ा, मतलब जैसे मैं पहने ना इसको ना तो धोने की जरूरत, बिकॉज इट विल नॉट एब्जॉर्ब, प्लास्टिक प्लस मेटल, दैट इज मेटल प्लास्टिक, इट विल रीयूज, जब आपको ज्यादा थक जाएगा ना तो रिसाइकल के लिए रीयूज कर, रिसाइकल के लिए चला जाएगा कंपनी में, फिर वापस आएगा, कितना बढ़िया हो जाएगा। कपड़े धोने हैं, साबुन आप यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट कहाँ जा रहा है, क्रिएटिंग सम पोल्यूशन, दैट इज पार्ट ऑफ पोल्यूशन। मिनिमाइज, इन चीजों को अगर मिनिमाइज करना है कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी काम आने वाली है। दूसरी बात है कि आपकी अवेयरनेस काम आने वाली है। NSS का मतलब होता है कंट्री को सर्व करना, तो आप सर्व तब करोगे अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे, आने वाली पीढ़ियों को इन्वायरमेंट अच्छा दोगे, साफ सुथरा दोगे, तभी सर्वाइव कर पाएंगे ना, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमारे को गालियां देगी। यार आपने मॉडर्नाइजेशन तो आपके अंदर हुई लेकिन अवेयरनेस नहीं हुई रिसोर्सिस का। मैंने बताया ना पॉपुलेशन में हम आगे निकल गए, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा रिसोर्सिस का मिस यूज हो जाएगा, क्लियर है। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होने वाला है कि यूज ऑफ ग्राफीन, वी कैन यूज ग्राफीन इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। अब आप इमेजिन नहीं करोगे, मेरे को हार्ट टच लग गया, मेरे को सर्जरी हो गया, ठीक है जी, देयर इज सम ब्लॉकेज इन माय वेन्स एंड आर्टरीज, समझते ना, धमनी और शिराएं, एक में शुद्ध खून चलता है, एक में अशुद्ध खून चलता है, तो क्या होगा, ऐसी दवाई आएगी, ग्राफीन वाली बात कर रहा हूं मैं, नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसी दवाई आएगी जो क्या करेगी, खाके ब्लॉकेज सुबह तक ना मेरे को पता नहीं चलेगा, एवरीथिंग इज ओके, मुझे ना ऑपरेशन करने की जरूरत ना मुझे किसी और चीज की जरूरत। दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हेन दे विल कंबाइन टू ईच अदर दे आर डूइंग सुपर वन, क्लियर है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं लेकिन पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करना, हमको कार्बन इमिशन कम करना है। सबसे पहले कार्बन क्या था हमारे लिए, गुड थिंग थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लेवल एक हाई चला गया, तो कार्बन हमारे लिए क्या रहा, बैड थिंग रही,